आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, बैठक में पहले फेज के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट होगी तैयार। फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस को आज से लगेगी बूस्टर डोज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीडीएमए की बैठक, आज लग सकते हैं कई और नए प्रतिबंध। देश में लगातार कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 1,59,632 नए केस आए सामने, 327 मरीजों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर लखीमपुर से है, जहां आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पहला मुकदमा निघासन में दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि सपा नेता आरएस कुशवाहा निघासन में बूथ सम्मेलन कर रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसके बाद निघासन थाने में कोविड के तहत 2,88,269 एवं धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। और ये पहला मामला है जो कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लगाया गया है। ये लखीमपुर से खबर है, जहां आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने पर पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला निघासन में दर्ज किया गया है। आज एक राजनीतिक दल के द्वारा कुछ लोगों को एकत्रित करके जनसभा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसपे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा वहां एकत्रित लोगों को घर भेज दिया गया एवं कार्यक्रम के आयोजकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर कानपुर देहात से है, जहां गांव के बाहर बने फार्म में जानवरों की रखवाली करने वाले युवक की देर रात पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से सबूत एकत्र करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये खबर कानपुर से सामने आ रही है, कानपुर देहात की ये खबर है, जहां फार्म हाउस में एक व्यक्ति रखवाली कर रहा था, जहां देर रात पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना डेरापुर के हथमा गांव के बाहर लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस के अंदर एक पप्पू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ये हत्या सिर में चोट पहुंचा करके की गई है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मुख्यालय रवाना कर दिया गया है। अब उसके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें चार व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद FIR है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं, इस संबंध में शीघ्र ही घटना का अनावरण करके और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो घटना घटी थी वो कैसे घटना घटी थी? घटना ऐसे हमको मिली मालूम कि रात में 12 बजे करीब हमको सूचना मिली है कि आवाज ऊपर से छत से लगाई कि तुम्हारे यहाँ भाई को यहाँ मारा जा रहा है। कितने बजे आवाज लगाई? 12 बजे जी। और एक बाद जब हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ जो ऐसे मरे धरे हमें लोग उनका मिले। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, हम लोगों ने देखा। किस किस जगह चोट थी? सर में यहाँ सब फूटा था, ये सब पूरी एकदम आखी साखी सब निकली पड़ी थी, भेजा है जैसा पता अलग। जी जी, आप मृतक के कौन हैं? भाई हैं। अच्छा, तो आपके आपको किसी ऊपर संदेह? हमें तीन आदमी पे संदेह है साहब, सत्यम और शर्मन और पूरन चमार। कहाँ के हैं ये? तुम्हें के हैं। कौन है ये? ये फार्म में एक मालिक है। और
खबर अलीगढ़ से है, जहां एक महिला का युवक को चप्पलों से पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बातचीत के दौरान दोनों कुछ लेन देन की बात करते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ कदम दूरी पर खड़े युवक ने भी महिला से मारपीट करने वाले युवक को जमकर पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो वहां मौजूद किसी युवक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से महिला चप्पल से मार रही है और बाकी लोग भी आगे आते हैं और इस युवक को जमकर मारने लगते हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां अब ये तस्वीर वायरल हो रही है मारपीट की। अलीगढ़ से ये मामला सामने आया है पिटाई का, जहां महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा। कुछ लेन देन का मामला चल रहा था, जिसके बाद महिला युवक को पीटती हुई नजर आई और महिला के साथ जो कुछ लोग भी थे पीछे खड़े वो भी आगे आकर युवक को मारने लगे। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से युवक को मारा गया है महिला द्वारा चप्पल से मारा गया। पहले तो कुछ देर बातचीत होती रही, उसके बाद जमकर मारपीट हुई। अलीगढ़ से खबर सामने आई है और अब ये चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल भी हो रहा है। खबर आगरा से है, जहां खुर्जा आई युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने काम के बहाने नामचीन होटल में युवती को बुलाकर दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती को चलती कार से सड़क पर फेंक दिया गया। वहीं पीड़िता ने पुलिस को वारदात की सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर आरोपियों की जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा से ये खबर सामने आई है, जहां दरिंदगी का मामला सामने आया है। नौकरी का झांसा देकर महिला को होटल में बुलाया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आगरा से ये खबर सामने आई है, जहां खुर्जा में आई युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है और आरोपियों ने काम के बहाने नामचीन होटल में युवती को बुलाया, दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती को चलती कार से सड़क पर फेंक दिया गया और पीड़िता ने पुलिस को वारदात की सूचना दी और जिसके बाद क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर आरोपियों की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो दरिंदगी की घटना सामने आई है, युवती के साथ दरिंदगी की गई है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, जो दरिंदगी का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ झांसा देकर महिला को बुलाया गया था? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये पूरा मामला आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के फतेहाबाद रोड एक नामचीन किसी होटल का है, जो कि पुलिस फिलहाल अभी जो होटल का जो नाम है उसको क्लियर नहीं करना चाह रही है। तो जिस तरह युवती के द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई थी कि मेरे साथ तीन लड़कों ने मेरे साथ दरिंदगी की है, तो इस सूचना के बाद में पुलिस हरकत में आई और पुलिस 112 नंबर जो डायल पुलिस थी जी, वो फिर थाने लेकर आई। तो इसी को देखते हुए जिस तरह देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ योगी सरकार में कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित है, तो साफ तौर से इस जो मामला ये सामने आया लगातार ऐसे कई मामले, कभी मलपुरा थाना से आप ले लीजिए, तो कभी मथुरा की जो एक बेटी है आईएएस का एग्जाम देने जा रही है उसके, मतलब इस तरह देखा जा रहा है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ लगातार जो घटना है लगातार बढ़ती जा रही है। और जो योगी सरकार के जो महिला सुरक्षा का जो दावा है वो फेल नजर आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ममता भारद्वाज जुड़ी थी आगरा से, जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों के कार्यालयों को पूरे तरीके से स्वच्छ साफ रखने के साथ साथ सरकार की ओर से सरकारी कार्य करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सरकारी कार्यालयों का जिस तरीके से उपयोग होता नजर आ रहा है, ये आप अलीगढ़ में साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां सरकारी बीज के कार्यालय की ओर गोदाम में पशुओं का कब्जा है, कार्यालयों में भूसा भरा हुआ है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि बीज के गोदाम के अधिकारियों की ओर से कब्जा कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कहा कि पहले इस गोदाम में हजारों बोरी गेहूं भरा जाता था, पर आज इस गोदाम में गंदगी के साथ साथ पशु बांधे जा रहे हैं और अधिकारियों के कार्यालय में भूसा रखा जा रहा है। इसकी ओर ना तो नगर पंचायत ध्यान देती है और ना ही गोदाम के सुपरवाइजर ध्यान देते हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन आग बंद करके सरकारी गोदाम को भैंसों का तबेला बनता नजर आ रहा है।
है आपका? मेरा राजुद्दीन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सरकारी गोदाम में यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी है और ये बंद पड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? इसका तबेला बन गया है, यहाँ पर पशु बन रहे हैं, इसमें गंदगी हो रही है, कुत्ते लैटरिंग कर रहे हैं। आपको ये पता है किसी किस किस के पशु बनते हैं यहाँ पर? अब पता नहीं। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में युवक ने अपने पिता को मौत की घाट उतार दिया। बेटे ने पीट पीट कर पिता को मौत की घाट उतार दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली है कि आरोपी बेटे ने पकड़े गई पुलिस पर भी हमला किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र उजानी में एक बेटे ने अपने पिता की पारिवारिक विवाद के कारण हत्या कर दी है, जिस पर उचित धाराओं में धारा 302 IPC में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उसके छोटे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मऊ के गाजीपुर चौराहे पर स्थित डॉक्टर विवेक सिंह पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा है। महिला ने फर्जीवाड़े को लेकर आरोप लगाते हुए बताया कि वो डॉक्टर विवेक सिंह नहीं बल्कि बलिया जिले का रहने वाला सोनू है, जो मऊ के गाजीपुर चौराहे पर अस्पताल खोलकर लोगों से 400% वसूलता है और लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वही महिला ने यह भी बताया कि जब डॉक्टर विवेक सिंह ने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो उसे पहचान गई और डॉक्टर के फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ। इस मौके पर फर्जीवाड़े को बढ़ता देखकर फौरन अस्पताल बंद झोला छाप डॉक्टर फरार हो गया। उनका जब डिटेल्स सब कुछ उनका पर्चे बताने लगा कि आप ये हो, यहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पिता का नाम ये, सब कुछ जब मैंने बताने लगा तब उनको पसीना निकलने लगा। वो लगे हाथ जोड़ने लगे, वो करने की सुनिए मधु दीदी, मैं आपसे जब मिला था उस समय BNS में एडमिशन लिया, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, तुम तुम्हारा कहीं भी स्टेट में मेडिकल फैकल्टी में कहीं तुम्हारा नाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन कहीं दिखाई नहीं रहा। उसके बाद वो धीरे से भागना शुरू किया और भाग गए, यहाँ से भाग गए। हाँ भाग गए। पहली मतलब मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये डॉक्टर साहब जो है ये और इसका इलाज करते हैं और मुझको बहुत सारी रिपोर्ट लिख करके दी है और बगल में प्रकाश में जा करके मैं रिपोर्ट का वो सब किया हूँ। 6,000 रुपया लगा है और पता चला है आने के बाद कि डॉक्टर साहब फरार हो गए और फर्जी निकले और तमाम तरह के लोग और सारे लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब फर्जी हैं, बलिया के रहने वाले हैं, DOMS भी नहीं है और DM का लकब लगा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मेरा मरीज उसी तरीके से। मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी में लदे 10 लाख की अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद वाहन चेकिंग के दौरान थाना अहरौरा पुलिस ने गांजा बरामद किया है और SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में खुलासा किया है। कल दिनांक 8/1/2022 को थाना अहरौरा क्षेत्र में मुखबिर के द्वारा थाना अध्यक्ष अहरौरा को सूचना मिली कि सोनबरसा नहर पौनी बैरियर की तरफ से एक गाड़ी में कुछ लोग गांजा लेके आए। इसी पर सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर की CG08K0797 आती हुई दिखाई दी, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। उन व्यक्तियों को से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में गांजा है जो कि 57 किलो और 800 ग्राम गांजा है और ये लोग इसको छत्तीसगढ़ से लेके आ रहे थे और जो दोनों अभियुक्त हैं उनके नाम है विजय कुमार शर्मा पुत्र जवाहरलाल शर्मा निवासी रजवाड़ थाना सुखपुरा जनपद बलिया उत्तर प्रदेश और संजय सानी पुत्र बैजनाथ सानी निवासी कोनहवा थाना दरियापुर जनपद छपरा बिहार। ये छत्तीसगढ़ से इस गांजे को लेके आ रहे थे। रामपुर में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बदमाशों की गोली से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दे दी गई है जबकि पुलिस जांच में जुट गई है। अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सस्पेक्टेड लग रहा है, जल्दी खुलासा हो जाएगा। कितने लोगों ने हत्या की है कुछ मालूम है? अभी 2 लोग बता रहे हैं, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। तो कुछ पूछताछ की नहीं ले गए किसी को? अभी सस्पेक्टेड है थोड़ा सा। ये मर्डर मुझे शाम को जानकारी हुई, किटपिलाई रोड पे शिव विहार जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, उसमें ये बोध श्याम जी रहते थे। ये भी
भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं, हमारे सपोर्टर हैं, तो इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे दामाद को गोली मार दी। अब बात को पता चला, हम पहुंचे, हमने कहाँ हैं तो रास्ते पे घटना स्थल पर जा रहे थे, पता लगा हॉस्पिटल आ गए तो जिला अस्पताल आए, तो यहाँ से रेफ़र कर दिया था, मेरठ रेफ़र किया, ये मुरादाबाद हॉस्पिटल ले गए, पता लगा फ़ोन पे बात हुई, डेथ हो गई। पता लग जाएगा मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन पता लगा कि उसी की आंखों के सामने इन्होंने तमंचा रख के जो बताया गया है और गर्दन पे गोली मार दी। कितनी उम्र होगी लड़के की? 25-26 साल की उम्र है, अभी शादी नहीं हुई। और कितने लोग थे हमलावर भी? दो। खबर संभल से है जहां निखासा और असमोली थाना इलाके में रायसत्ती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से पुलिस ने बने और अधबने शस्त्र के साथ साथ दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि चुनाव से पहले जिले में अवैध शराब और फैक्ट्रियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभल की पुलिस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लगातार अवैध शराब व अवैध शस्त्रों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज थाना असमौली की पुलिस के द्वारा वीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से कुल 5 बने हुए तमंचे, 2 बनी हुई राइफल तथा 6 अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। इसी प्रकार से थाना नखासा की पुलिस के द्वारा असलम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से कुल 6 बने हुए तमंचे व 1 राइफल बरामद की गई है। इनके साथ में इनके द्वारा बनाने के लिए में प्रयोग होने वाला सामान बरामद किया गया है। ये दोनों अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा आज करते हुए इन दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जारी रहेगी। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाने के भवानीगंज कस्बे में 3 दुकानों का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी हुई दुकानों में एक सराफा, एक साइकिल और एक गारमेंट की दुकान शामिल है। चोर ने सराफा व्यवसायी की तिजोरी को दुकान से निकालकर कुछ दूर स्थित एक खेत में लाकर फेंक दिया और तीनों दुकानों से हजारों की नकदी और लाखों का सामान लेकर फरार हो गया। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार चोरों ने साइकिल की दुकान से करीब 16,000, कपड़े की दुकान से करीब 7,000, जबकि सराफा व्यापारी की दुकान से करीब 16,000 कैश और 3 लाख के सामान, 3 लाख के सोने के गहने और करीब 3 लाख की चांदी पर हाथ साफ किया है। रात्रि में एक घटना थाना भवानीगंज क्षेत्र में हुई, जिसमें एक दुकान है, उसके दुकान के दरवाजे को, दरवाजा कमजोर था, उसको तोड़ के और अलमारी में से उसमें से आभूषण चोरी किए हैं। एग्जैक्ट कितना आभूषण चोरी हुआ है ये अभी इसकी जांच चल रही है। FIR दर्ज करने के निर्देश थाना अध्यक्ष को दे दिए हैं और जो FSL की टीम थी वो मौके पर चली गई। इसके अलावा वहाँ का जो मोबाइल का रिकॉर्ड है BTS वो पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।